क्षमा करें सेनापति जी, हम कुछ अधिक ही आवेश में आ गए थे। दोष आपका नहीं है राजलक्ष्मी जी, हम ही अपने पढ़ाए पाठ पर ध्यान नहीं दे पाए। चोट अधिक तो नहीं लगी ना? चोट लगेगी तभी तो निशान अंकित होंगे, कभी कभी ये चिन्ह जीवन का इतिहास बन जाते हैं। प्रणाम है वासुदेव। हे महादेव प्रणाम। आपके आगमन से तपते दोपहरे की भांति तपते हुए इस ब्रह्मलोक में शीतलता आ गई है। आपके आने का कोई विशेष प्रयोजन? क्या कहे ब्राह्मण, हमारा क्षीर सागर भी आजकल भट्टी पर रखे पात्र की भांति उबल रहा है। उधर महाकाली की फुफकार भरी श्वासों से शीतल शिवलोक में भी गर्म सी लू चलने लगी है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हिमालय की बर्फ भी पिघल जाएगी। अब क्या करें देव, जब अपना ही दिया अपने ही घर में आग लगाए तो फिर किसे दोष दें? हाँ ब्रह्मा जी, भक्त नारद को न जाने क्या सूझी कि हे माते कहते हुए उन्होंने अपनी तीनों मातृ शक्तियों को आमने सामने खड़ा करके चक्कर में डाल दिया। यही तो नारद की बुरी आदत है, स्वयं तो चक्री की भांति इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं और दूसरों को भी चक्कर में डाल देते हैं। अभी भी तीनों देवियों का चक्कर नहीं छोड़ा। नारायण नारायण भगवान, मैं चक्कर तो आप तीनों के भी लगाता रहता हूं, परंतु नारद को दुख इस बात का है कि जब भगवान ही भक्त की निंदा करेंगे तो फिर संसार इस नारद को कब छोड़ेगा। क्षमा करना देव, इन तीनों देवियों की देवी लीला का दोषी ये अकेला नारद ही नहीं कुछ कुछ दोष तो आप तीनों का भी है। हमारा दोष? वो कैसे? नारद, हम पर कीचड़ क्यों उछाल रहे हो? हाँ नारद, कलह कराना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। उन तीनों देवियों को अलग अलग उकसाकर कलह की अग्नि तुमने नहीं लगाई तो क्या हमने लगाई? भगवान, माना कि ये अग्नि मैंने लगाई, परंतु इस अग्नि को फूंक किसने दी? अब बलि का पशु इस बेचारे नारद को बना रहे हैं। वाह प्रभु वाह। तो क्या इस कलह के दोषी हम हैं? हम? टंटा तो आप तीनों ने किया है ना। हमें? नारद, कहो पिताश्री, माता सरस्वती से आपने ही कहा था ना कि लक्ष्मी जी सर्वश्रेष्ठ हैं। और भगवान, आपने लक्ष्मी जी को सरस्वती ही सर्वश्रेष्ठ है कह के उनके मर्म को चोट नहीं पहुंचाई? और भोलेनाथ तो बस कहने के ही भोले हैं, परंतु भीतर से कुछ कम नहीं है। इन्होंने तो लक्ष्मी और सरस्वती को श्रेष्ठ कह के महाकाली रूपी सोई हुई शेरनी को जगा दिया। अब सारा दोष आप तीनों मुझ निर्दोष के माथे मर रहे हैं। नारद, हमें व्यर्थ फंसाने का प्रयत्न मत करो। तुम्ही ने घुमा फिराकर हमसे पूछा था तो हमने सीधा सा उत्तर दे दिया था। उधर की चिंगारी इधर और इधर की उधर रखने का काम तुम्हें ने तो किया है। अच्छा मान लिया महादेव, ये चिंगारी मुझ मूड नारद ने रखी थी तो आप उसे मिट्टी डाल के बुझा देते, परंतु आप तीनों ही देवों ने इस भड़कती आग में अति आनंद से हाथ सेके।
जब मैंने देखा कि आप हाथ सेकने का सुख ले रहे हैं तो आपके सुख के लिए मैंने दो चार लकड़ियां और डाल दी। नारद। हाँ भगवान, आप तीनों देवों की यह सदा की रीत है, बुरा किया तो मैंने, अच्छा किया तो आपने। वाह भगवान वाह। अच्छा क्षमा करो नारद, तुमसे तर्क करना व्यर्थ है। अग्नि के लपटे घर तक ही रहती तो वो ठीक थी, परंतु वो तो अब धरती पर भी सुलग चुकी है। अनर्थ हो जाएगा अनर्थ। देखो ना, हम तो घर के रहे न घाट के, कहीं असमय ही प्रलय की स्थिति उपस्थित ना हो जाए। बस अब तो यही चिंता है। इसी भय से तो मैंने चारों वेदों को अखंड शांति पाठ करने के लिए ब्रह्मलोक में बैठा दिया है, क्योंकि सृष्टि नष्ट हो गई तो पुनः सृष्टि रचाने का श्रम मुझे ही करना पड़ेगा। देवी, शीतल रस ले। रहने दो, मैं पूछती हूँ कवि अभी तक आया क्यों नहीं। देवी, दो बार संदेशा भेजा परंतु उसने अस्वीकार कर दिया। ये घमंडी कवि ऐसे नहीं मानेगा, इसका कुछ ना कुछ करना ही होगा। देवी, इस अहंकारी को तो राज्य की सीमा से बाहर कर देना चाहिए। चुप रहो मधुलिका, उसे हमारी निजी समस्या का कोई भी बहाना बनाकर जैसे भी हो शीघ्र बुलाओ। खड़ी की हो, जाओ यहां से। जो आज्ञा। एक बार आ तो जाए, उसे प्रीत की कोमल डोरी में ऐसे बांधूंगी कि फिर बंधन से नहीं छूट पाएगा। प्रणाम ज्ञानेश्वर। प्रणाम देवी। हे ज्ञान शिरोमणि, महारानी राजलक्ष्मी कुछ जटिल गुत्थियों को सुलझाने में अपने आप को असमर्थ अनुभव कर रही है। आपके पिताश्री तो तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, अतः इस जटिल घड़ी में उन्हें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कृपया प्रजा के हित अनहित को उदारतापूर्वक सोचकर मेरे साथ चलने का अनुग्रह करें। परंतु भद्रे, मैं तो स्वभाव से ही कवि हूं, राजनीति से मेरा कोई संबंध नहीं, फिर मैं उनकी क्या सेवा कर सकता हूं। इस कार्य के लिए कृपया किसी अनुभवी राजनीतिज्ञ को ही संपर्क करें। विद्वान महोदय, यह अत्यंत ही निजी और गुप्त विषय है, आपके अतिरिक्त अन्य सत्य पुरुष उन्हें नहीं दिख रहा है, कृपया आपको ही समाधान करना होगा। ठीक है, पिताश्री के राज से अनुपस्थित रहने के कारण उन्हें जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसके समाधान हेतु हम उनके हित में कुछ योगदान दे सके तो अवश्य देंगे। धन्यवाद। चलिए।
हमें पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। हमें आपसे कृपाण चलाना सीखना है। वचन दीजिए। शक्ति सिंह, Cinevista is now on YouTube. Like, share and subscribe for more.